याद है ना कुछ दिनों पहले हमारे शो पे जूही चावला जी आई थी, मधु जी आई थी, आयशा जुल्का, तब मैंने क्या कहा था कि मैंने वो काम कर दिखाया जो 90s के प्रोड्यूसर नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। आज मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आज मैंने फिर वो काम कर दिया है क्या जो 70s और 80s के प्रोड्यूसर भी नहीं कर पाए। अच्छा या क्योंकि उस दौर की तीन बेहद खूबसूरत हीरोइंस को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने बॉलीवुड पे नहीं हमारे दिलों पे भी राज किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम जीनत अमान जी, अनीता राज जी और पूनम ढिल्लों जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग विराजमान हो जाइए। अभी तू वेट कर, कोई कमेंट मत कर, बिकॉज मेरी तीन बहुत अच्छी सहेलियां आई है। आई हैव टू कम देयर। आइए आइए प्लीज। Hi Archie, coming on to your set. Hello. Assi money money. All three money girls. नहीं मुझे लगा चार महिलाएं खड़ी है, हमारा क्या काम? सही है, हम ही करते हैं शो। मैंने देखा आप जाकर बैठ गए वहाँ। जीनत जी ये वहां से भी मिल सकती थी, पीछे मिल सकती थी, इन्होंने अपना शरारा दिखाना था, ये हर बार ऐसा करती हैं। अच्छा इधर आ, इधर आ। एक बात मैं बता दूं, आज तो कॉस्ट्यूम की बात फिर से कर रहा है तो ये नोट कर ले कि ये तीनों सेम डिजाइनर ने डिजाइन की हैं, ये तीनों आउटफिट। फर्क है क्या? उन दोनों ने पे किया है। अनीता जी आप तो मतलब ऐसा लेदर पैंट्स, मुझे लगता गाड़ी में आएगी घोड़े पे आएंगे आप। फिलहाल चल के आई हूँ। पर आप तीनों बहुत ही प्यारी लग रही है, पर हमारी अच्छा आप तो हमेशा ही हमारे पास ही रहती हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार जीनत जी, अनीता जी के लिए और पूनम जी के लिए। आइए मैम। थैंक यू कपिल जी, इट्स सो नाइस टू बी बैक हियर। मैम इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू। और पूनम जी तो हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं, अनीता जी और जीनत जी पहली बार आ रही हैं। इतना मन खुश हो रहा है कसम से, मतलब आपको हमने लाइनों में लग लग के धक्के खा के फिर भी नहीं कभी कभी टिकटें मिलती थी। आज ऊपर वाले की माया देखी, आप आज हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप तीनों तो एक दूसरे को जानती हैं। जी हाँ। तो फिर शो पे आने से पहले आपने फोन पे सलाह किया था कि द मोस्ट हैंडसम गाय कपिल के सामने कैसे तैयार होकर जाए। एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं रात भर सोई नहीं एक एक्साइटमेंट में कि मैं आपसे मिल रही हूँ। क्या बात कर रही हैं हैंडसम गाय, आपने अभी बोला द मोस्ट हैंडसम गाय। बट कपिल आई हैव टू से दैट आई वॉच्ड यू अ लॉट ओवर द इयर्स। Wow. Or I know ki you are phenomenally talented. Thank you. You know, not just with your comedy, but you know, your singing. So I was so happy to be coming here today. आपको पता है 1973 में नासिर साहब ने अपनी फिल्म में ये गाना कंपोज करवाया था जी पंचम दास से। He knew that in 2021, Zeenat Aman will come to Kapil Sharma Show. And Kapil Sharma will sing this song for Zeenat Aman. Wow. Thank you so much. जितने पोस्टर जीनत जी आपके लड़कों के हॉस्टल में लगे रहते थे किसी के नहीं लगे रहते थे। पता है आप इनकी एंट्री एक्चुअली ऐसी धमाकेदार हुई ना पूरी वेस्टर्न अवतार में। उससे पहले क्या होता था हमारी फिल्म की हीरोइन जो होती थी गांव की गोरी हुआ करती थी जिनके पीछे डाकू पड़े रहते थे। लेकिन जब ये आई ना वेस्टर्न अवतार में ओ ला ला डाकू अफोर्ड ही नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। सर्च करके देख लेना 80s में सबसे ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया है। वो कहते हैं हमारे बस का नहीं है, इसलिए डॉन लॉन्च करना पड़ा उनको। तो ये क्रेज है आपका। ऐसे दिल में सवाल आ रहा था कि कभी किसी हीरो ने आपसे कहा नहीं कि जीनत जी हमने स्क्रिप्ट कोई नहीं सुनी, हमने आपका नाम सुन के हाँ कर दी फिल्म। हाँ सब आपस में लड़ झगड़ते थे मेरे साथ काम करने के लिए।
मस्ती कर रही हूँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, आप बात को घुमा रही हैं, पर हुआ होगा ऐसा, हम लोग मानते हैं इस बात को। नहीं नहीं, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अनीता जी, जब आपकी फिल्म आई नौकर बीवी का, बड़ी कमाल की फिल्म थी, और मैं ये सोच के कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मैं, जब आपकी शादी हुई जी, तो आपके हस्बैंड ने ये नहीं सोचा कि जिसने धर्म पाजी को नौकर बना रखा मेरा क्या करेगी? आपको लगता है कि आजकल के हस्बैंड ऐसे सोचते हैं? इन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोचा, इन्होंने बोला मुझे मिली है एक तगड़ी डोले शोले वाली, मैं देख लूँगा इसको कि ये मुझे नौकर बनाएगी कि नहीं। आई थिंक ही वॉज नॉट राइट। पूनम जी, सोनी महिवाल से लेके आप अभी तक इतनी सोनी लगती हैं कसम से, वो फिल्म में मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सनी देओल साहब इनके चक्करों में रोमांस कर गए क्योंकि ये सामने थी। हाँ, उसके बाद में वो सीधा ही मारपीट वाली फिल्मों में उतरा है। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? राज तो चलो अनीता जी का है, आपकी खूबसूरती का डिंगो क्या है? कौन सी जड़ी बूटी खाती हैं आप? जो जीनत जी खाती हैं वही मैं थोड़ी थोड़ी चुनके खा लेती हूँ। लुक एट हर, फैबुलस, शी इज आवर आइकॉन। बट थैंक यू सो मच। बट यू नो, आप बोलते हैं बॉयज इनके पोस्टर लगाते थे, हम लोग भी लगाते थे। और हमने तो आपको जब देखा फिल्मों में, हमने कहा ये लड़कियां कौन से शहर में होती हैं? हमारे शहर में तो थी नहीं कोई, हमारे शहर में क्या दिल्ली तक आ गए हमें कोई नहीं दिखा, आप यहीं पे थी और आप एक ही हैं, क्या बात है जीना जी। अनीता जी, मैं एक दिल से बात कहना चाहूँ, हमेशा मैं दिल से बोलता हूँ, इतनी फिटनेस, मतलब तब भी वैसी थी जब मैं होठों से छू लो तुम इनका, अभी आने से पहले मैं देख रहा था गाने। पौजी थी। नहीं नहीं नहीं, आप अभी बेटर फिट हैं। एक्चुअली और ज्यादा फिट लग रही हैं। मैं बताऊं इसकी फिटनेस की बात जी। ऑटर्स क्लब, राइट? ऑटर्स क्लब में एक कंपटीशन हुआ था अनीता, यू विल रिमेम्बर ऑफ कोर्स, वहां पर प्लैंक होता है ना, प्लैंक, अब कपिल को कैसे समझाऊं एक्सरसाइज क्या होती है? मेरे को पता है मैडम, ये अभी करके दिखा, मैं करके दिखा, उसके लिए वार्म अप होना पड़ता है। प्लैंक के लिए कोई वार्म अप नहीं होता। चलो चलो, प्लैंक के लिए कोई, चलो बंदा एक मिनट कर ले, दो मिनट कर ले, 61 मिनट्स। तो क्या हो गया, आप प्लान करके भूल गई थी? मैं प्लान करते भूलने गई थी, मैं प्लान करते करते चैंटिंग कर रही थी। आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड, अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपको पता है आपका रिकॉर्ड एक ही बंदे ने तोड़ा आज तक। किसने? अर्चना जी, 62 मिनट, पर प्लैंक में नहीं, ये 62 मिनट लगातार बिरयानी खा लेती हैं। ऐसे भी आपको पता है खा सकते हैं? हाँ, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेती हैं, उसके बाद भटूरे आने। एक सेकंड, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिर अनीता है बिरयानी खाने में, ये माहिर। बचपन में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव, एक्चुअली मटन पुलाव, मटन पुलाव, हाँ, तो इसका बॉबी, हर ब्रदर इज टू कॉल अ मिस पुलाव, बिकॉज पूरे घर का पतीला ये साफ कर जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे लगता था आप हमारे ही खाने पे नजर रखती हैं, आप तो काफी सालों से ये काम। आपको कैसे बताइए, आप तीनों से ही मैं ये पूछना चाहता था कि आपने तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक ही फिल्म का शूट कर रहे हो, कभी कभी मल्टीपल शिफ्ट्स में आप काम करते थे जी, 8-8, 10-10 फिल्में एक साथ आपने साइन कर रखी हैं, उस समय फिर क्या करते थे आप लोग फिटनेस के लिए? नहीं, मौका नहीं मिलता था फिटनेस के लिए, फिटनेस यही होता था कि हम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो को भाग रहे हैं, और इत्तेफाक से जैसे शशि जी के साथ पहला शिफ्ट भी उनके साथ होता था और दूसरा शिफ्ट भी उनके साथ होता था, और हम लोग एक दूसरे के नाम भूल जाते थे कि कहाँ शीला है, कहाँ शीतल है, कहाँ राहुल है, कहाँ राज है, इट्स बी टोटल कन्फ्यूजन। जीना जी, एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि जो आपका गाना आया था ना, समंदर में नहा के और भी, कहते डॉक्टर जो हैं वो हाई बीपी वालों को मना करते थे कि ये गाना नहीं देखना, उनका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि गाने में नमक बहुत ज्यादा था, इज इट ट्रू? नॉट दैट आई हैव हर्ड ऑफ, बट पॉसिबल। पर जोक्स अपार्ट, आपने जीनत मैम के बहुत सारे गाने देखे होंगे, जैसे भीगी भीगी रातों में, आय है ये मजबूरी, या समंदर में नहा के, कभी ये झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं, कभी समंदर में, आपने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती?
ये सवाल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश के अंदर नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर की यहाँ बारिश होती है पैसों की, पैसों की। क्या बात है, वाकई नॉस्टैल्जिया। अब हम लोग वो फिल्में, या क्योंकि हमने तो हमें थिएटर अलाउ किया बहुत देर बाद, हमारे घर वालों ने बेचारे वहाँ बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों आप मम्मी को तंग कर रहे हैं? मम्मी बहुत जवाब देती है, ऐसे माइक नहीं देते, मत दो माइक मम्मी को। ये तो मम्मी की जनरेशन है जो मेरी फिल्में देखती थी, आपकी तो थोड़ी है। नहीं नहीं, हमने सब टीवी पे देखी ना जीनत मैम, मेरी मम्मी ने पहली फिल्म देखी। मम्मी को माइक देना जरा। मम्मी आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो जब आप देखने गए तो आपके मन में क्या चल रहा था, दसो जरा। मैंने कभी फिल्म देखी नहीं थी, मैं गांव में रहने वाली थी, इसीलिए मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे, बहुत हस्बैंड सोहने थे, तो मेरे को डर लगता था हो ना सके, मेरे को अंधेरे में ले के जा रहे हैं, अंधेरे में ले जाए थिएटर में जाके, ले बाँव पकड़ के लेके जा रहे, हो सकता कि वो धक्का ना दे दें जाके। मैं बहुत डर रही थी। मम्मी बोल रही है कि मैंने कभी शादी से पहले फिल्म देखी नहीं थी। हाँ। तो शादी के बाद पिताजी ले गए तो अंधेरा होता ना थिएटर में, तो मुझे लगा कहती कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं मुझे अंधेरे में धक्का ना दे दे। मम्मी तेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। So sweet. पिछले सीजन और ये मिला के 200 एपिसोड हुए हैं, या ऑलमोस्ट इतने हो गए ना। मेरी मम्मी की सहेली है, इनके 205 हो गए हैं। कभी कभी हम शूटिंग नहीं भी करते इसके साथ आते। इनके मेरे साथ ही रहना होता है। साथ में मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यार करते हैं हमें। एक दिन के लिए बॉम्बे आए थे, 40 दिन हो गए इनको। अच्छा, अनीता जी की जो पहली तीन फिल्में थी, अच्छा बुरा, दूल्हा बिकता है और प्रेम गीत, राज बब्बर के साथ थी, तो मुझे ये जानना कि ये आपकी केमिस्ट्री का राज क्या था? आपके आपस में राज मिल गए थे, क्योंकि बब्बर साहब के पास भी राज, अनीता के पास भी राज। तो हम शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, प्रेम गीत की मेरी पहली फिल्म थी, तो किसी ने हमें घर पे डिनर पे बुलाया और दो कुर्सियां रख दी, जैसे रिसेप्शन में शादी में रखते हैं, एक में राजी बैठी थी, एक में मैं बैठी थी। अच्छा जी। तो जैसे हम बैठे, फोटो खींचते गए, राजी ने बोला बस अब शगुन रखो, फिर हम फोटो खींचेंगे। अच्छा। पीपल यूज्ड टू कॉल अस अनीता राज बब्बर, क्योंकि हमने इतनी फिल्में एक साथ की, तो केमिस्ट्री यही थी। एक्चुअली आपकी केमिस्ट्री बड़ी कमाल की थी। सो जगजीत जी की ये फर्स्ट मूवी थी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर, और मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी थी एज एन एक्ट्रेस। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना। थैंक यू। जीनत जी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई थी। सत्यम शिवम सुंदरम में जब कास्ट आपको किया गया, जिसमें एक उस किरदार का जो है चेहरा खराब होता है, वो ढके रहती है, तो ये कास्टिंग कैसे हुई, कैसे उनके दिमाग में आया कि इतनी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की को इस रोल के लिए कास्ट किया जाए? बहुत लंबी कहानी है कपिल, इट्स अ वेरी लॉन्ग एपिसोड है। मैं राजी के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रही थी, उस फिल्म का नाम था वकील बाबू। अच्छा, जिसमें मैं हीरोइन थी और वो टाइटल प्लेयर रोल प्ले कर रहे थे वकील बाबू। तो वो सेट पे है ना, इन बिटवीन शॉट्स अपना फिल्म प्लान कर रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम, और उसके बारे में जो उसकी हीरोइन थी रूपा के बारे में हम, यू नो, ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, एंड मेरी ख्वाहिश थी एट दैट टाइम एज एन एक्टर टू वर्क विथ हिम एज अ डायरेक्टर। तो एक दिन मैं एस एल स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी, तो आर के स्टूडियो रास्ते में आता है। जी जी। तो आई ड्रेस्ड माई सेल्फ लाइक आई थॉट ही वुड विजुअलाइज रूपा, एंड आई वेंट एंड आई नॉक्ड एट हिज डोर द कॉटेज, एंड आई टोल्ड हिज मैन जॉन कि प्लीज सर से कह दो कि रूपा आई है। ओह। So he said Rupa. Anyway, he called me in and he was surprised. So he phoned Krishna ji and he said come. And Krishna ji came and she gave me some gold guineas. Wow. And he said you are my Rupa. Oh wow. Woo! So you know. So उन्होंने फिर एक पूरा reel बनाया which he had shot on Nargis ji. जागो मोहन प्यारे, दैट सॉन्ग। जी जी जी। तो पूरा उन्होंने एक रील शूट किया मेरे साथ, और वो रील देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फुल एंड फाइनल पूरी पिक्चर खरीद। क्या बात। ओह वाह। पर एक्चुअली जैसे हम लोग आपके बारे में बोलते हैं ना कि जीनत जी इतनी खूबसूरत हैं,
टैलेंटेड तो हैं ही, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क और पैशनेट होना बहुत जरूरी है. ऐसे कोई जीनत मान नहीं बनता. बिल्कुल बड़ी बात है. बिल्कुल मेरे को पता, मैं पहले आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपको एक बार पहले भी मिल चुका हूँ. कहाँ? ये बात है कोई 2003 की 4 की बात है ये. तो आई वॉज इन दिल्ली, मेरे फादर का वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था. तो दिनेश आया शो करने वहाँ पे. इसने मुझे बोला कि फटाफट आ जा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं. तो दिल्ली में मौर्य में शादी थी वंदना लूथरा कॉस्मेटिक वालों की बेटी की. यस. आप वहाँ पे आई. जी. मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे. अब कॉलेज पढ़ रहे थे, नहीं नहीं पता. तो मेरे हाथ में प्लेट थी, तो मैंने कहा एक फोटो लेनी है. जीना जी कहती है पहले प्लेट नीचे रखी. उस दिन से पहले तक मुझे पता नहीं था कि ये बतमीजी होती है कि प्लेट लेके किसी के पास फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए. आप गेट क्रैश किए थे कि इनवाइटेड? आप गेस्ट थी वहां पे, मैं एज ए नाजायज गेस्ट गया था. ओह, अमित जी भी थे वहां पे. वो शायद हमें बाहर निकालने के बाद आए होंगे. एक मेरे को ना अनीता मैम, आपके पापा के बारे में एक बात पता चली. जी. हालांकि मैं उनको जानता ही था, पर मुझे पता नहीं था कि आपके पापा हैं. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ. मैं एक्चुअली फोटो दिखाना चाहता हूँ. पहले तो आप देखिए, द मोस्ट पॉपुलर पुलिस जगदीश राज साहब. पहले तो जोरदार तालियां. हर फिल्म में इन्होंने इतनी बार, इतनी दफा फिल्मों में पुलिस का रोल किया है कि इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक्चुअली. अच्छा. हाँ, सीरियसली. यस, हिज नेम इज इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. व्हाट डूइंग फॉर प्लेइंग द मैक्सिमम रोल्स ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर. यस. मेरे फादर भी पुलिस में थे ना, तो एक होता है वर्दी देख के, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि ये मुंबई पुलिस में है, तो सब डायरेक्टर इनको जानते होंगे. आपको बचपन में कभी लगा था? क्योंकि बड़े होके समझ आए होंगे ना कि पापा एक्टर हैं. नहीं, पापा को हम रोज देखते थे. यूज्ड टू मेक हिज यूनिफॉर्म, और हमेशा अपना यूनिफॉर्म, अपने बैजेस खुद लगाते थे, खुद अपने यूनिफॉर्म प्रेस करते थे. ही वाज इन लव विद हिज वर्क, विद हिज वर्क ऑफ कोर्स, एंड वर्क विद हिज यूनिफॉर्म. बोलते ये मुझे इज्जत देता है. वाओ, क्या बात है. कपिल, ही वुड हैव बीन सो हैप्पी अगर आज वो जिंदा होते और देखते कि मैं आपके शो में आई. ओह, दैट्स सो स्वीट. ये और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं. एब्सोल्युटली सब देख रहे होते हैं. जी. ये क्या कूल बट तेरी जात का पैदा मारूं. अच्छा, कैसे आप लोग बताइए. सारा दिन डांस करता रहता हूँ जीनत जी. हाँ. थोड़ा थोड़ा बाकी रह जाता है. अभी ठीक हो जाएगा. ये या ये. क्या बात. आज मैं बहुत खुश हूँ. हाँ. क्योंकि ए टू जेड हीरोइनें यहाँ पर आई हैं. हाँ. अनीता जी से लेकर जीनत जी तक. क्या बहुत अच्छा. क्या बात. एक मिनट, ये पहले अंगूठी क्यों पहन रहे हैं? बहुत सालों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है, तो कई बात में ये ना बोले कि मिथुन खाली हाथ आया था. खैर, समझ में नहीं आ रहा पहले किससे बात करूं. अच्छा. हाय, आइडिया. क्या कपिल जी? दादा, ये तीनों में से एक उंगली पकड़, मेरा बाथरूम जाने का टाइम हो गया. ये क्या बात हुई? अगर दूसरी उंगली पकड़ता तो भी मैं बाथरूम जाता, क्योंकि नेचर कॉल है, इसको कोई नहीं रोक सकता. या मैंने तीनों हीरोइनों के साथ काम किया है. हाँ. इसीलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूं. लेकिन मेरा एक दोस्त है. हाँ. उसने तीनों में से किसी के साथ भी काम नहीं किया. हाँ. लेकिन फिर भी वो अपने आप को लकी मानता है. ऐसे क्यों? क्योंकि उसका नाम लकी है. या खैर, मैं बहुत बड़ा फैन हूं. किसका? वो वाला गाना किसका था? चुरा लिया है तुमने जो दिल को. जीनत जी का गाना है. हाँ, मैं आशा भोसले जी का बहुत बड़ा फैन हूं. उन्होंने ये गाना गाया था. हाँ. लेकिन आशा जी से बड़ा. हाँ. मैं जीनत जी का फैन हूं. हाँ. हम लोगों ने जीनत जी, याद है, वो फिल्म की थी रोटी कपड़ा और ऊंटी.
ऊटी नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। मेरा मकान ऊटी में ही है। खैर, मैं अनीता जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। क्या फिटनेस है आपकी? थैंक यू। आप रोज जिम जाती हैं? जी। आप कितना किलो उठा लेती हैं? जो आप नहीं उठा सकते उसे उतना। 40? जी। 50? लेकिन आपसे आगे अर्चना जी हैं, इन्होंने 150 किलो के सिद्धू को उठा दिया। क्या बात है? वैसे आप आज इधर क्या करने आए? एक्चुअली मेरा ऊटी में होटल है, तो मेरे पास कुछ पैकेजेस हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग लें। अच्छा? एक पैकेज है 18 दिन और 2 नाइट्स का। क्या बात कर रहे हैं, 18 दिन? एक मिनट, 18 दिन और रातें सिर्फ 2? हाँ, क्योंकि रातें हमारी पैक्ड है, सिर्फ दिन खाली रहता है। तो जो रात में रुके हैं वहां, वो कहां जाएंगे? वो घूमने जाते हैं। तो जब वो घूमने जाते हैं तो हम उनका सामान और रूम फिर से रेंट पे दे देते हैं। डबल कमाई। वेरी गुड। देखिए, आप ये फालतू की बेतुकी बातें कर रहे हैं, उनको नहीं चाहिए पैकेज, आप चाहिए यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं पहले जादू दिखाऊंगा। यश, मैं आपको एक सांप का खेल दिखाऊंगा। अच्छा, सांप का? जी। एक मिनट, वो मेरी बीन किधर गई? मेरी बीन। कपिल यार, एक मिनट यार, एक मिनट, आ गया। आप सांप से बीन ढूंढते? मेरा सब कुछ उल्टा है। मैं तो जीनत जी टीवी से रिमोट ऑन कर देता हूँ। या टू गुड, यहाँ तक कि मैं दूध से भैंस निकाल लेता हूँ। और जीनत जी, यह तो कुछ भी नहीं, मैं पैर से ट्रक रोक लेता हूँ। कैसे? कैसे? ब्रेक दबा के। मैं मिथुन हूँ। ब्रेक दबा के कपिल, मैं मिथुन हूँ, बेवकूफ नहीं जो कुछ भी करेगा। हाँ। अनीता जी, जी आप प्रोमो में आना चाहती हैं? मैं फिल्म में आना चाहती हूँ, प्रोमो में क्यों? लेकिन प्रोमो में मैं आना चाहता हूँ। मिथुन दादा, वाह, बाल आप संजय दत्त के लगवा है। जीनत मैम, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा है नहीं, तो हमारा नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सेलिब्रिटीज जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं, हम उनके ना फनी फनी कमेंट्स निकालते हैं, तो वो हम आप दोनों के तो हैं, तो जीनत जी सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन वैसे आपकी तो अब अनीता जी और पूनम जी आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो आप सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने फैंस के लिए, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो हम आपको पढ़ के दिखाएंगे। अरे भगवान, फनी कमेंट्स। ओह माय गॉड, दिखाइए जरा। तो ये पूनम जी की फोटो, हॉलिडे मूड, फन, चेयर, मस्ती। हाँ जी, दिखाइए इनके नीचे कमेंट्स। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आता कि ये नींबू को ग्लास पे अटकाते क्यों हैं? इसको निचोड़ के फेंक क्यों नहीं देते? एक्चुअली आपको पता है पूनम जी क्यों ऐसे करते हैं नींबू? ताकि आप अपने आप उसे निकालें और जितना निचोड़ना है निचोड़ के आप फेंक। ये मिल गया आपको जवाब। क्या बात है। अच्छा, मुझे लगा वैसे ही उनके पास बचे होते तो वो ऐसे कर देते हैं, किसी नीचे लगा ड्रिंक को नजर ना लगे इसलिए लगाते हैं। ये कोई होगा पांडे जैसा रम पीने वाला। और दिखाइए नीचे। देखो कितनी चलाक है, दूसरे बंदे को फोटो खींचने में लगा के खुद पूरा ड्रिंक पी रही है। एक ने लिखा, मैम आइसक्रीम में आइस आइस ही है, क्रीम पहले खा गई क्या? और दिखाइए। क्यूट एंड फनी। फनी। ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है? लाइट शाइन, वाओ। चूल्हा, चूल्हा जला रही है। चूल्हा। क्या बात है यार, बड़ी देर बाद देखा नीता जी ये चूल्हा। हाँ। गांव में मेरी मम्मी जलाती थी ये। दिखाइए जरा कमेंट्स। अनीता राज चूल्हा फूंक रही है, सच में गैस महंगी हो गई। मैं तो कह ही रहा था कि फिल्मों में कमाई नहीं है, इन्होंने भी ढाबा खोल लिया।
किसी ने लिखा है अगर आप झाड़ फूंक भी कर लेती हैं तो मेरे पास आपके लिए एक काम है। अमेजिंग। और दिखाइए मैम, आप भी फूंक लेती हैं, मेरे बच्चे का बर्थडे है, गुब्बारे फुला दोगी? किसी ने लिखा अनु मलिक को बुलाओ, वो आग लगा देगा आग। और दिखाइए, one of those days, red and white is a favorite combo. हमें ग्लास ही लग रहा है। हाँ जी, दिखाइए जरा कमेंट। पक्का पर्स निचोड़ के शरबत बनाया है। मैम, पर्स की मैचिंग से ड्रिंक लिया है या फिर ड्रिंक के हिसाब से पर्स? मैम अच्छी है, पीने के लिए अपना पर्स साथ लाई है, वरना मेरी वाली तो दूसरों के खर्चे पे पीती है। और दिखाइए क्या कमेंट्स हैं। प्लेट खाली है, लगता है खाने में कोई गुलाबी आइटम नहीं मिला। गुलाब जामुन खा सकती हैं, किसी ने रिप्लाई लिखा है। अबे ये बार है, हलवाई की दुकान है। और दिखाइए। Oh my God. Anita Raj, good things come to those who plan. Wow! That's amazing. Who's underneath you? That's me. And आपके साथ कौन है अनीता मैम? मेरी योगा टीचर है। On top of you? क्या स्ट्रेंथ है बाबा? Wow! दिखाइए जरा कमेंट्स। वाह, ये तो हमें देख के ही थक रहे हैं हम तो। जब ट्रेन में बर्थ कंफर्म ना हो तो दो लोग ऐसे ही सोते हैं। I like that. I like that. Wow, ma'am. Actually, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। Fantastic. Very inspiring. Thank you. और दिखाइए। Oh God. Always fun to go anywhere with friends, special evening out. Okay. दिखाइए कमेंट्स। Big fat Indian wedding. Yeah. मैम दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, घोड़ी के साथ नहीं। I like this comment. ओ, कोई मेरे जैसा, उसने लिखा मैम फोटो बाद में खिंचवाना, उधर खाना खुल गया है, जल्दी जाओ रसमलाई खत्म हो जाएगी। किसी ने लिखा मैम लिफाफे में पैसे, मेन्यू देख के रखना। अच्छा। शादी में खाना अच्छा। और दिखाइए। Very important. Yeah. Oh my God, ये इतना लोग दिखते हैं सोच समझ के। ऐसी खूबसूरत लेडी को देख के ही दूल्हे दुखी होते। नाइस कॉम्प्लीमेंट दैट। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, पूनम जी को देख के फूफा ने स्टेज तोड़ा। इसका क्या मतलब हुआ? किसी ने लिखा पूनम जी पहले मुझे आप अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी बीवी को देखा मुझे आप और अच्छी लगने लगी। Oh my God, this is so cute. और दिखाइए। Wow. My favorite place when I am not shooting fish market with my friend. दिखाइए कमेंट्स। Wow, मैडम आपकी तो मछली भी शीर्षासन कर रही है। और oh wow, ये बड़ा मजेदार। So interesting. This is such fun. बहुत मजा आया। आपको पता है अर्चना जी भी बहुत अच्छा चला लेती हैं ये वाला स्कूटर। पर हाँ थोड़ा सा फर्क है, जैसे आप ऐसे चला रही ना तो ये अगर कोई बच्चा चला रहा हो उसका पकड़ के यहाँ पे लेके फिर बात ठीक। मैम आपने अभी आते ही कहा ना कि सेम कॉस्ट्यूम हमारे डिजाइनर सेम है, मैं सेम स्कूटर मंगवाता हूँ, आप चला के दिखाओ जरा आज। फिटनेस टेस्ट आपका भी होगा? नहीं वो भी तो करेंगे ना फिर। हाँ, करेंगे वो भी करेंगे, आप तो आओ पहले। आओ ना। चलो आप तीनों की रेस है, मेरी नहीं। नहीं नहीं तू भी चल, सबसे लास्ट तू ही आएगा, चल। चलो ठीक है फिर। अभी डर रहा है कहीं लेडी से हार गया तो। हा हा। अब आप कह रही थी ना मुझे गाड़ी लेके दो, गाड़ी लेके दो। मिल गई गाड़ी। अब आपने हमें तंग नहीं करना। चलो जी चलिए स्टार्ट। हम भी किया है पीछे पीछे। कहाँ जा रहा है? वापिस भी, वापिस भी। नो वापिस। जोरदार तालियां, ये बड़ा मुश्किल है हील्स के साथ करना। देखो मेरी हील्स। ओह माय गॉड, ये काफी मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल है यार। और बड़ी बात है लोहे की हील्स हैं।
तुझे पता चलेगा तेरे सर पे पड़ेगी जब। अच्छा आपको पता है मैं चंडीगढ़ में एक्चुअल मोटरसाइकिल चलाया करती थी। मैं भी देहरादून में। सो आई यूज्ड टू वेयर अ स्कर्ट, उसमें ये सेफ्टी पिन है ना जो, वो बीच में लगा के ताकि स्कर्ट उड़े नहीं, यूज्ड टू ड्राइव मोटरसाइकिल। किनको बता रही जो ट्रक चला लेती। मैडम हील पहन के इतनी तेज भाग रहे हो, अरे आपको अच्छा लगता है कि? चलो साथियों जीनत मैम, जैसे आज मैंने अभी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स दिखाई, अब तो सब अपने फैंस के लिए या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप ऐसे डाल देते हो, आजकल तो बड़ा कॉपीराइट्स का चक्कर है मैम, पहले क्या 80s-90s में ना फिल्म स्टार्स के फोटो कहीं पे भी लगा देते थे। हाँ। जैसे मैंने देखा अनिल कपूर साहब की फोटो ना शिकंजी के ठेले में बड़ी आपको देखने को मिलेगी, संजय दत्त की फोटो आपको लगेगी सैलून के बाहर लंबे बालों वाली, चलो वो तो फिर भी समझ में आता है कि उनका स्टाइल था, अनिल कपूर साहब का शिकंजी के ठेले से क्या लेना देना। कभी आपको अपनी ऐसी फोटो किसी ऐसी जगह पे देखने को मिली जहाँ पे आपको लगा हो कि मेरी फोटो यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ वो तो हमेशा होता था, यू नो है कटिंग सैलॉन्स विद हेयर स्टाइल छोटे छोटे, यू नो गांव में जगह पे अजीब जगह मैंने देखी माचिस के डब्बे पे, आई वाज लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पटाखों के जमाने में, आजकल तो फायरवर्क और ऐसी एक फुलझड़ी या एक ऐसा, हाँ लंबा रॉकेट उसके डब्बे के ऊपर हमारी फोटो, एब्सोल्युटली ये क्या है, पटाखों पे क्या दौर था यार, वो भी बड़ा मजा था। अच्छा आप तीनों के पोस्टर तो सबके घरों में होते थे, आपके घरों में किसके पोस्टर होते थे? आई हैड ए क्रश ऑन पॉल न्यूमन, जब मैं 14 साल की थी, यू नो हर संडे आई वॉज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, हमें अंग्रेजी फिल्म सिखाते थे वंस अ वीक। अच्छा जी। तो आई स्टिल रिमेम्बर द फिल्म, इट वॉज कॉल्ड द सिल्वर चैलिस एंड इट वॉज वन ऑफ हिज अर्ली, आई वॉज इन लव, आई वॉज इन लव विद देव साहब, आई वांटेड टू मैरी हिम। Oh, yeah. What a gentleman, so charming. I said, मेरी शादी काश इनसे हो जाए। Really? आपने बोला कभी उनसे ये बात? I didn't love Dev sir. I used to adore him. I just used to adore him. I was totally in love with Tom Cruise. अच्छा। इतना good looking आदमी था। And I remember when my son was born, कुछ हफ्ते का ही था, I took him to see a Tom Cruise film. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, और इनकी जिंदगी में आए तो एपिसोड बन जाए, और आपकी जिंदगी में आए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाए। लेकिन यार आप लोग बड़े सही दिन पे आए हैं, लेकिन मैं केक लेकर आया हूँ। किसका बर्थडे है? नहीं नहीं मैं ओकेजन बता रहा हूँ। आपको लगता है बर्थडे हुआ होगा, ये असेंबल किए गए हैं, घटिया। यार मैं बता रहा हूँ कि आज मैंने अपने जीवन का 100वां केस लड़ा है। 100वां केस लड़ा है मैंने। 100वां केस लड़ा है मतलब 100 केस हार चुके हैं आज। यार आदमी कितना नेगेटिव आ रही भाई, मैं 100 केस हारा ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे सामने वाला लॉयर 100 केस जीता ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। उसके जीतने की खुशी में आप केक बांट रहे हैं? नहीं नहीं मैं बांट नहीं रहा हूँ, किसने कह दिया मैं केक बांट रहा हूँ? केक तो मैं बेच रहा हूँ। क्यों बेच रहे हैं? मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मैं अंडा नहीं खाता। क्यों बेच रहे हो ये हमें बताओ? डांटो मत यार, बता रहा हूँ हुआ क्या। आई विल टेल यू फ्रेंकली व्हाट हैपेंड। ओके हाँ टेल अस। पिछले साल मेरा बर्थडे था। अच्छा। तो बहुत प्यार से बहुत सारे लोग प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आए। हाय हाय। मैंने बाकी के तो सारे गिफ्ट बेच दिए। हाँ। ये बची थी। नहीं पर ये बड़ा स्पेशल मनुष्य है, आपको पता है? हाँ। इनका बर्थडे हर साल नहीं आता। हाँ। इनका 2 साल बाद आता है। क्यों? क्योंकि पैदा भी 6 महीने में हुए थे ना ये। मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है ना, इनका मंथ ऑफ बर्थ था। डोंट बिलीव इन ये बनावटी बातें हैं। हाँ एक्चुअली फिर बीएमसी वाले आए कहते ये इल्लीगल बर्थ है। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप हमारे मेहमानों के सामने? फालतू की बातें? हाँ ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड,
मैं अपने फाजिल दोस्त को आज एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। हाँ जी। ये जो फालतू बात है ना, सोनी वाले इस बात को काट के इसे इंटरनेट पर डालते हैं और इंटरनेट पे इस फालतू बात के व्यूज आते हैं, फिर इन व्यूज के पैसे आते हैं, फिर ये पैसे इस मनुष्य के बैंक अकाउंट में जाते हैं, फिर यही व्यक्ति उन्हीं पैसों से बड़ी सी गाड़ी लेता है, गाड़ी में बैठ के यहाँ आता है, मुझसे पूछता है। क्या? भाई, फालतू की बातें। आप इतना मुंह हिला हिला के आपने दलीलें दी, अगर मुंह गिर जाता तो कौन जिम्मेदार था? और ये कहाँ की बात, आप कहाँ घुमा रहे हो पहले बताओ। देखो यार, मेरे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, जरा आप पे निकल गया। हाँ। क्या है कि यहाँ आने से पहले बाहर मेरी जीनत अमान जी से मुलाकात हुई। अच्छा। मैंने इनसे कहा कि आप मेरे साथ घूमने चलेंगी। अच्छा। इन्होंने मेरे मुंह पे साफ मना कर दिया। फिर मुझे लगा भाई अब जीनत अमान जी को तो मैं घुमा नहीं पा रहा, बातों को ही घुमा दूं। घुमा ली। You're very cute actually. You're very cute. वैसे पूनम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इफ यू डोंट माइंड मैं आपके लिए एक शेर अर्ज कर सकता हूँ। वाह वाह, हैं? वाह, इरशाद। परमिशन है? इरशाद, इरशाद। अर्ज किया है? इरशाद, 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 इरशाद। ऐसे। कोर्ट में। ओहो। थोड़ा अर्ज उधर होगी, मैं इधर मैट बिछा हुआ है। हाँ ठीक है। कोर्ट में पड़े पड़े धूल लग गई है फाइल पे। कोर्ट में पड़े पड़े धूल लग गई है फाइल पे। ओ पूनम ढिल्लों जी, हम तो मरते हैं सिर्फ आपकी स्माइल पे। क्या बात है, थैंक यू। मैं तो कहता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारी हीरोइंस हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में राज किया है। ये एक ही कलाकार है जिन्होंने दिलों के साथ साथ ढिल्लों पे भी राज किया है। देखिए, मैं आप लोगों से जब बातें करने आया हूं तो मुझे ऐसा नहीं, मैं इट्स नॉट दैट आई डोंट, मैं मदद करूं कुछ? अब प्लैंक ट्राई करिए, प्लैंक प्लैंक ट्राई कीजिए। प्लैंक? हाँ प्लीज। प्लैंक क्या होता है? एक एक्सरसाइज है। प्लैंक अवॉइड करते हैं आज। आप ज्यादा फ्रैंक हो गए इसलिए उन्होंने प्लैंक बोल दिया आपको। आप नहीं, 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते, आप बोल रही प्लैंक करें। मैं ऐसी कोई बात नहीं है यार, आराम से बैठो। कोई बात नहीं, ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं, वरना देखो इंसान मेहनत करे तो कुछ भी करता। ऐसा है नहीं कि मुझसे होगा नहीं, वो तो मैं करता नहीं ब्रो। एक बार वो भी करके बताइए ना, जो गर्दन को आप 360 घुमा लेते हैं ऐसे। मला ऐसा नहीं होता यार, ये क्या देख कर आए हैं। उनको वो करके बताइए जो आप पेट उतार के उधर रख देते हैं, वो वाला। ये किन चीजों की बातें कर रहे हैं? नो आइडिया, आई हैव नो क्लू। नहीं, लेकिन मैं कह रहा था जीना जमान जी, आप समुंदर में नहा के नमकीन हो गई थी। मैं भी नहाया, मुझे खुजली हुई। कौन से समुंदर में आप नहाए? अच्छा, समुंदर ही गलत हो गया होगा, पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा था जीना जी, ये 8 तारीख को आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? वो क्यों जाएंगी आपके साथ डेट पे? 8 मेरा लकी नंबर है यार। लकी है तो कुछ और काम कर लो उस दिन। नहीं, और कुछ काम के लिए मुझे लक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये चीजें तो मेरे पास आने से रहे। वजी बट डेट में डेट वो भी नहीं आएंगी। नहीं आएंगी, ठीक है। अनीता जी, आप 8 तारीख को मेरे साथ डेट पे चलेंगी? नहीं जाएंगी। अच्छा, तो आप मेरे साथ 10 तारीख को डेट पे चलेंगी? आपने तो बोला 8 लकी आपके लिए। अरे यार, दोनों ने मना कर दिया, फिर खाक लकी है। यहाँ पे बैठ के आप डेट की बातें कर रहे हो, आपकी बीवी ने सुन लिया तो क्या कहेगी वो? बीवियां कुछ ऐसा सोचती वोचती नहीं है, सिर्फ चक कर दी है। परसों के दिन 2 घंटे मैंने फोन पे बात क्या की, मेरे से आके कहती है कि किससे इतना हंस हंस के बातें कर रहे हो? कौन था यार, इनको क्यों करती है फोन?
No, no, I'm telling you, I'm not your baby. Baby ne khana khaya nahi. Aapko kyun padhi hai baby ne khaya ki nahi khaya? Baby dalia kha raha hai. Aapka bahut ho gaya, chaliye aap. Bahut ho gaya aapka bhi. Bahut? Nahi, exact batao mera kitna hua hai. Main aapko bata raha hu, main yahan se peeche jata hu. Ye Sony wale mujhe kehte hain ki aapka kam hua hai. Aap yahan pe mujhe kehte hain ki mera bahut hua hai. Zara bhai polo. बोल के बताओ मेरा कितना हुआ है मैं उसके हिसाब से बिल बनाऊंगा चलो मैं अब घर जाना होगा मेरा एक डांस का प्रोग्राम भी है कहां पे यहीं पे है यहीं पे है मेरा डांस का प्रोग्राम क्योंकि मैं आपको सच बताऊं मैं पीछे चला गया बिना यहां पे डांस किए आप लोगों के साथ तो ये लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आए आपसे इतना भी मैनेज नहीं हुआ बहुत बहुत शुक्रिया आपका लीना जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू मुलाकात होगी आपसे अफवाहें मैम उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में हम नहीं विश्वास करते हम सामने से पूछते हैं जीनत मैम आपके बारे में ये अफवाह सुनी है कि आप की कई फिल्में आ चुकी थीं और आप हिट हो चुकी थीं उसके बाद भी कहीं पे आपको राजकुमार साहब मिले और उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो फिल्मों में क्यों नहीं आती आई एम सो सॉरी मैंने भी ये अफवाह सुनी है लेकिन ये अफवाह ही है पर मैं बोलता हूँ ये बनाता कौन होगा सोचो आप अनीता मैम आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आप अपने पापा की पुलिस वाली फोटो दिखा के अपने बड़े सारे काम निकलवा लेती थी आप नहीं अच्छा आपके बारे में एक अफवाह है पूनम जी एक बार आपको राजेश खन्ना साहब ने बोला था कि आपको फिल्मों में आना चाहिए और आपने उन्हें मना कर दिया था पार्टली ट्रू है क्योंकि मुझे मिले थे जब मैं स्कूल में थी अच्छा जी और उन्होंने मुझे इतने जैसे इतने लोग शूटिंग देखने आए तो मुझे ऐसे करके उन्होंने बुलाया था तो मैं देख रही हूँ किसको बुला रहे हैं उन्होंने मुझे बोला यू कम हियर एंड ही जस्ट पेड मी अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम पर उन्होंने ये नहीं बोला कि फिल्मों में काम करो बहुत साल बाद उनके साथ मैंने रेड रोज फिल्म की तो उन्होंने बोला मुझे याद है मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है इतने क्राउड में चंडीगढ़ में कोई लड़की देखी आपने ही कॉल मी एंड सेड यू वर ब्यूटीफुल आईज आई मस्ट से And he says, I remember that. Oh. If he does, then that is... याद रह जाते हैं. If that is true, then that's phenomenal. एक अफवाह और है, जीनत मैम. हे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? एक अफवाह ये है कि अर्चना जी एक शूटिंग के दौरान आपके कमरे में घुस के ड्राई फ्रूट्स खा गई थी. शूटिंग के दौरान नहीं. जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो she came the very next day. उस वक्त हाँ मैं आई थी और दो तीन दिन वही तुम्हारे घर पे शर्मन में आई स्टेड देयर तो मुझे सवेरे बहुत भूख लगती थी और जीनत क्या ब्रेकफास्ट थोड़ा सा देर से आता था तो मैं जीनत के कमरे में हालांकि जीनत यू डोंट ईट लेकिन इतने बड़े बड़े मर्तबान वो होते ना काजू के फिर एक किशमिश का एक पिस्ते का तो मैं रोज सुबह उठती हूँ जीनत में से बात करती रहती मैं आ जाती डब्बा खोलती सामने रखती ऐसे और जीनत बात करती रहती और मैं खड़क यही राज है सेहत का लोगों के काजू खा खा के उस टाइम मेरी कमर 19 इंच की थी लेकिन मैं कुछ भी खा सकती थी ओह वाओ तो नजर लगी अब तेरे जैसे नजर कोई नहीं परमीत सर ने हमें बोला कि प्रोडक्शन वालों को बोलो इनकी वारंटी में काजू ना रखाया करें इन्होंने क्या कि 2.25 किलो काजू 2.5 किलो कौन खाता है एक दिन में इन्होंने खा के इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ऊपर से फिर भी ये कहती है ऐसा है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ अगर किसी का कम है तो मेरे से ले लो इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त होती हैं अच्छा मैम आप तीनों ने चाहे धर्मपा जी हों देव साहब हो जितेंद्र हो या कोई भी सब सुपरस्टार्स के साथ आपने काम भी किया है तो कुछ सवाल हैं जनता जनार्दन के ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन करता था आपके को स्टार्स में से सबसे ज्यादा शाई कौन होता था शाई
Chai koi nahi hota tha, I think. Dharam so. Ji, just there's a sense of vulnerability. Yeah. About. Yeah. I feel Dharam Ji, yeah. Jab aapne bola. Haan, ye hai ki agar unko kuch kehte the, to wo bilkul lal ho jate the. Haan. You know, used to just blush. Ki Dharam Ji, aaj aap bahut achhe lag rahe ho. Oh, tu ki keh rahi hai. Abhi tak bhi Dharam Paji aise hi hain, bachche hi hain. Bilkul aise. सबसे ज्यादा स्टाइलिश को स्टार कौन था जो शूटिंग पे तो चलो फिल्म में तो रहना ही है लेकिन घर से भी ऐसे आना स्टाइल वाइल मार के आई थिंक संजू यूज्ड टू बी दैट संजय दत्त संजय दत्त अमिताभ बच्चन टू बी वेरी फिरोज खान हां हां फिरोज खान एक्चुअली बहुत स्टाइलिश थे वो सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता शशि जी But very cute and innovative ways of flirting. Yeah. Achha, wow. He made every woman feel good and special, है ना? तो मतलब flirt करना बुरी बात नहीं है। हाँ। हम लग रहे हैं मतलब। Flirt करना ठीक है। आप भी थोड़ा थोड़ा हुनर थोड़ा। ओह अच्छा। इसका flirt तो मतलब ऊंचाइयाँ छू रहा है। क्या कह रहे हैं? Now he's married, he's got kids, so I think. So you Tell think Shashi ka was married? तो 16 साल के थे तब जब आपसे flirt. अरे सुपरस्टिशियस भी कोई था आपका को-स्टार गोविंदा हाँ है ना वो कभी-कभी हाँ he was the most superstitious I think सबसे ज़्यादा शरीफ विलेन कौन सा कि जो हिरन से भी घबराते रहते थे ऐसा कोई विलेन विलेन्स वैसे पर्सनल लाइफ में तो सारे ही शरीफ सारे ही शरीफ कुछ ऐसे कुस्सा से जो माफी मांगते थे पहले शॉक्स से एक ध्यान रखना स्पेशली सबसे ज्यादा केयरिंग को स्टार कौन था जब मैं काम कर रही थी संजय दत्त के साथ तो आई वाज प्रेग्नेंट एंड एक शॉट था जो काफी रिस्की था तो संजू ने पहले ही बोल दिया था प्रोड्यूसर को ये शॉट अनीता नहीं करेगी ही वाज वेरी वेरी केयरिंग हम लोग जब अलीबाग ट्रैवल कर रहे थे तो ही मेड श्योर दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल सो आई थिंक अकॉर्डिंग मैंने जब काम किया संजू के साथ तो ही वाज रियली वेरी वेरी सो स्वीट यार कितनी अच्छी बात है वेरी केयरिंग अच्छा आप जितने भी मेहमान हमारे यहाँ पे दर्शक आए हैं आप लोगों को अगर कोई हमारे गेस्ट से बात करनी है जो भी आपका मन हो जी ऐसा क्या है जो हमने नहीं पूछा और आप पूछेंगे आज ये बताइए हमें हाय कपिल सर हेलो हाय जीनत मैम हाय अनिता मैम हाय पूनम मैम हेलो मेरा नाम आकाश दोषी है जी दोषी साहब कहाँ से हैं आप विरार से मुंबई अच्छा जी जैसे अनिता जी ने 61 मिनट में वो रिकॉर्ड किया था प्लैंकिंग एक्सरसाइज का तो मैंने भी अभी लॉकडाउन में थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया था चल झूठा अरे बॉडी में मत जाओ लॉकडाउन की शुरुआत में किया था पर जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना चालू हो गया हाँ। मेरा उससे नाता छूटने लगा एक्सरसाइज से ये लोग होते वेट करते लॉकडाउन में फिर ही काम करेंगे हम अच्छा तो फिर अभी मतलब क्या कर रहे हैं इसका नहीं तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार स्टेज पे आऊँ और फिटनेस का मतलब दिखाओ कम्पीट कर पाऊँ मैं उनको अनिता जी का तो सबको पता है वो 61 मिनट उन्होंने किया था आप बताओ कितने मिनट कर सकते हो वही मैं ट्राई करूंगा उससे भी आपके साथ और भी कोई है कि ये खुराफात आपकी अकेले की है ये बंदा आपके दोस्त है ये हाँ जी ये कर लेगा मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है चलो आओ आप दोनों ही और भी कोई है फटाफट आ जाओ तीनों फटाफट आ जाओ वो भी आ गए भाई साहब पीछे देख के चलो आ जाओ अच्छा फॉर्म करेक्ट होना चाहिए हाँ बिल्कुल हाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट है बहुत जरूरी है तो आप पहले पोजीशन ले लीजिए ऐसे ही ना नीता मैम आइए आप मेन इंस्ट्रक्टर आइए आप जरा लेट मी सी चलिए वहाँ ही उनकी मर्जी का काम मिला आज चल पहले तो पोजीशन बन जाइए ये क्या बहुत यार आप तो पेट लगा रहे हैं नीचे थोड़ा ऊंचा ऊंचा हाँ और टांगे थोड़ी और क्लोज लेके आइए भाई साहब कोई चीटिंग नहीं नो चीटिंग हाँ 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 तो मैं करूँ स्टार्ट आप जैसे बोल हो गया स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट बैक ऊपर करो हाँ नहीं 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 अभी तो हो गए 14 सेकंड 15 सेकंड 16 17 18 19 20 21 21 सेकंड 23 कितना हुआ कपिल ये 30 हो गए अब 31 32 33 थोड़ा ऊपर 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 आप दोनों में बची है गेम आप भी जीत सकते हैं गोल्ड
ये थोड़े डगमगा रहे हैं। ये बिल्डिंग गिरेगी अब। ऊपर आप नीचे गिरते जा रहे हैं, ऊपर उठिए। बैक लिफ्ट करो बैक। आपका वो किश्ती बन रही है। थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ मैं आपको। ओ माँ जी रे। कितना कपिल? 1:30। बड़ी बात है अगर ये पहले करते होंगे, नहीं तो अदरवाइज होता ही नहीं है। 34, 35, 36, भाई जाग रहे हो सो गए? इनको माफ कर दो, मुझे लगता है कर लेंगे। ओके थैंक यू गाइस, वेरी गुड। 1:50। वाओ आजा आजा आप भी। आप क्या करते हैं भाई साहब? मेरा नाम सूरज नायक है, मैं वैसे मुंबई आया हूँ सर, मतलब कुछ काम करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, सक्सेस होने के लिए। ठीक है, बड़ा क्या करना, सीलिंग तो बन गया है। सर अपने लेवल पे जो भी आप करने आए, ईश्वर आपको शक्ति दे। धन्यवाद। आइए आइए ब्रदर, थैंक यू। ठीक ठाक हो? चलो जी बहुत बढ़िया है। चड्डा साहब ये दरवाजा लेके कहाँ जा रहे हो आप? मेरा ताले की चाबी गुम हो गई थी, इसलिए मैं चाबी वाले के पास जा रहा हूँ चाबी बनवाने के लिए। तो चाबी वाले को घर पे बुला लेते ना। घर आने का वो 500 ले रहा था, वहाँ जाकर मैंने 100 रुपए में काम करवा लेना है। ठीक है सर, चलो जाइए यहाँ से। अब नहीं मैंने जाना। क्यों? मैंने इनको देख लिया है। कपू शर्मा इधर आओ यार, देखो इनको तो सभी जानते हैं, मेरा भी इंट्रो करवाओ ना थोड़ा सा। आप हो नहीं उस लायक मिलवाने वाले। आओ। ये अपना नहीं है चंदू? हाँ। ये 10-star जनरल स्टोर वाला, उसके दादाजी हैं। देखो आए। क्या हुआ, इतनी हाय हाय की निकल रही है? शुक्र करो हाय निकल रही है, नहीं तो जितनी हसीन सुंदरियां बैठी हैं बंदे की तो जान निकल जाए। बैठ जाइए आप। अनीता जी एक बात बताइए जी, आपके पापा ने फिल्मों में इंस्पेक्टर का रोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। हाँ। जी आपने 61 मिनट के प्लैंक करने का रिकॉर्ड बनाया है। हाँ। घर में सब्जी सुब्जी भी बनती है या रिकॉर्ड ही बनते हैं? सेना जी आप बात कर लो, मैं आपका मुंह पकड़ लेता हूँ। सेना जी देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि आपका वो जो फेमस गाना है वो मैं आज भी गुनगुनाता हूँ। कौन सा? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 का मैंने कुर्ता पहना है। चड्डा साहब गाने में है मेरी बहना है, तो बहना के चक्कर में मैंने 1000 रुपए का कुर्ता थोड़ी भूल जाना है। पूनम जी। हाँ जी। आपसे भी एक छोटी सी शिकायत है। क्या? क्या हो गया मुझसे? आपकी फिल्म आई थी एक चादर मैली सी। हाँ। मैं, मेरा छोटा भाई वीरेंद्र, मेरा उससे भी छोटा भाई जतंदर, हम तीनों फिल्म देखने गए, फिर वहां तो सारी चादरें साफ थी, कोई मैली चादर नहीं हमें मिली। आज आपको चढ़ा सा बड़ी पुरानी फिल्में याद आ रही हैं। देखो कपूर शर्मा, फिल्में पुरानी होती थी क्यों जी? 2 रुपए की टिकट होनी, 8 का समोसा होना, 2.5 रुपए में टिकट लेनी। हाँ। फिल्म देख के घर को। आज का समय यह आ गया है जीना जी कि 200 रुपए की टिकट होती है और 500 रुपए के पॉपकॉर्न होते हैं। That's true. अनीता जी आपको एक राज की बात बताऊं? जी। पॉपकॉर्न ज्यादा उछलता क्यों है? क्यों? देखो अगर सलमान शाहरुख सस्ते होंगे, पॉपकॉर्न महंगा होगा, वो तो उछलेगा ही ना। वाह क्या बात है। देखो लैंडलाइन की घंटी। हेलो हरिद्वार से 1500 रुपए में कमरा मिल जाएगा हरिद्वार में, और सीनियर सिटीजन डिस्काउंट वो भी मिल जाएगा। ठीक है थैंक यू। आप हरिद्वार जा रहे हो? मैं तो गोवा जा रहा हूँ यार।
तो फिर ये तो घर वालों को झूठ बोलने के लिए इन्फॉर्मेशन ली है मैंने। तो आप गोवा जाके क्या करेंगे? चल वो मैंने तुम्हें बताया गोवा, वैसे तो मैं मालदीव जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, सारा परिवार तो आपका बाल्टी में बैठ के नहाता है, मालदीव जाके आप क्या करेंगे? वो सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ वहां पर वो मिलेंगी ना, वो वाली अपना कौन? नीले नीले पानी में जो फोटो में डालती हैं। क्यों? मैंने तो देखो जी अपना एयरपोर्ट लुक भी डिसाइड कर लिया है, एयरपोर्ट लुक मैंने हैशटैग भी सारे सोच रखे हैं। मालदीव आई एम कमिंग, यमराज आई एम नॉट कमिंग। बेटा साहब आपका हो गया, तो आप निकलो फिर इधर से। ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो तुम्हारे पास वो है क्या, स्क्रू ड्राइवर? नहीं, 500 रुपए वो चाबी वाले को देना है ना। जाओ यार चड्डा साहब, फटाफट निकलो, चलो यहाँ से, ये लो 500, जाओ। एक मिनट, आप तो कह रहे थे वो 100 रुपए लेता है चाबी वाला। हाँ तो वो तो उधर जाके ठीक कराओ तो 100 रुपए लेता है ना। तो आप जा ही रहे हो उधर? हाँ तो उधर जाने का मैंने 400 नहीं लेना। तो फिर मेरा 500 कहाँ गया? वो उसके पास है। तो वो आपको 400 रुपए नहीं वापस देगा? हाँ तो वो तो 400 मेरा हुआ ना फिर। मेरा 500 कहाँ गया? वो उसके पास है। यार आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप। देखो तुम चाहे कंफ्यूज हो चाहे कुछ भी हो, मेरा ताला खुलना चाहिए। अच्छा जी मैं जा रहा हूँ जी। ओके जी, बाय बाय। आइए मैम, आइए। एक बार जोरदार तालियां जीनत जी के लिए, अनीता जी के लिए, पूनम जी के लिए। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बड़ा इंतजार था। थैंक यू सो मच for having us. Thank you ma'am. Thank you for having us. Thanks a lot. It's such a pleasure. I'm such a big fan of his. Thank you ma'am. Thanks a lot. Dosto, corona ka jo mahol hai wo bhi gaya nahi hai. So aap sabse anurodh hai, bazaaron mein bheed karne se bachein kyunki aajkal tyoharon ka mausam hai. Aap log mask laga ke rakhein aur social distancing ka palan karein. Swasth rahein, khush rahein. Good night. Shubh ratri. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.